हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ यह सेशन हर एक उस बच्चे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बायोलॉजी में 360 में से 360 का वो परफेक्ट स्कोर लाने का ड्रीम करता है इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन और मैं आपको डेयर भी करूंगी मैं आपको चैलेंज भी देती हूँ वाले क्वेश्चन जो है में से लेकिन आप जब उन क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया ये मैम तो गलत बोल रही है से नहीं ये आउट ऑफ और मैं आपको यहीं पर प्रूव करके भी दिखाऊंगी कि कैसे वो आपकी एनसीआरटी से ही लिया हुआ है मैंने और आपकी एनसीआर टी की लाइन को ही लेके मैंने वो क्वेश्चन बनाया है उसी को हम बोलते हैं hidden lines in NCRT. और इसको master कैसे करना है for plant physiology, वो भी मैं मैं तुम्हें बताने वाली लेकिन यार सबसे पहले मैं आपको एक बात कि ये जो plant physiology अपनी है, इसका वेटेज कितना है इसका वेटेज है बच्चे 10 से 12 क्वेश्चन अब तुम बोलोगे कि मैम अभी तो इसमें सिर्फ तीन चैप्टर रह गए हैं फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि जो आपके चैप्टर्स यहां से रिमूव हुए हैं डिलीट हुए हैं दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट मिनरल न्यूट्रिशन से एक क्वेश्चन आता था ट्रांसपोर्ट से एक से दो क्वेश्चन आते थे तो यार अब मान लो तुम्हारे तीन क्वेश्चन जो डिलीटेड पार्ट है उसमें से आते थे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इसका वेटेज कम हो जाएगा नहीं इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन यहां गया एक यहां गया, और एक यहां गया या फिर ये भी हो सकता है यार दो क्वेश्चन चले गए एक इनमें से कहीं से चला गया लेकिन द द वेटेज ऑफ यूनिट विल रिमेन सेम अभी भी दस से बारह क्वेश्चन ही आएंगे दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज राइट बच्चों तो यहां से अभी भी अपना पचास नंबर का जुगाड़ बन रहा है अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाती हूँ और आपको डेयर करती हूँ कि लेट्स सी कितने बच्चे उसका आंसर सही करके दिखाते हैं आई एम श्योर कि 90 बच्चों को ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर वो थोड़ा गड़बड़ी करेंगे चलो देखते हैं आ जाओ तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अरेकिनसाइलेबल परस्पेक्टिव ऑन बायोलॉजी वीडियो को पॉज करना थोड़ा सोचना कि इसका आंसर क्या हो सकता है ठीक है मैं आंसर बताने वाली हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पीरियड ऑफ टाइम रिलेशन ऑफ बायोकेमिकल processes. <coughs> यहां पे जो आपका सही आंसर है वो है दिस वन दिस इज द करेक्ट आंसर करेक्ट से मतलब है कि नहीं ये आपका अरेकिन

ऑफ सॉरी फिनोमिन डिस्क्राइब्ड एट ऑर्गेनिकुड भी फिनोमिनन बट कोई बात नहीं फिनोमिनन डिस्क्राइब्ड एट ऑर्गेनिज्मिकबव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिनोमिनन डिस्क्राइब्ड एट ऑर्गेनिक लेवल एंड अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिनोमिनन डिस्क्राइब्ड एट सेलुलर लेवल क्या इसका आंसर होगा द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज डिस्क्राइब एट ऑर्गेनिक लेवल इज़ गलत ऑर्गेनिज्मिक लेवल एंड अब इज ऑल्सो रॉन्ग दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बच्चे द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज द लास्ट वन अब यू गाइज मस्ट वी वंडरिंग कि मैम ये तो आउट ऑफ एनसीआर टी अब मैं तुम्हें तुम्हारे सामने ही प्रूफ देती हूँ पहले तो पहले क्वेश्चन का देख लो ताकि तुम्हारी आंखें खुलें और तुम्हें पता चले इट इज़ नॉट वेरी इजी टू यू नो थिंक कि येस मेरे को तो बायो आती है मेरे को तो मेरा तो हो जाएगा यही लाइन्स हैं जो तुम्हें फंसाने वाली हैं अब देखो जरा जब आपका प्लांट फिजियोलॉजी शुरू होता है ठीक है शुरू होता है ना प्लांट और ये वाला जो क्या कहते हैं पैराग्राफ है ये पुरानी एनसीआरटी में भी दिया नई में भी दिया हुआ है तो वहां पे आप एक चीज देखेंगे देखना यहाँ ये जो लाइन दी हुई ना इसमें देखना द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पीरियड ऑफ टाइम एंडेड अप एज टू अपेरेंटली रिकनसाइलेबल जिसका आपस में कोई मेल मिलाप नहीं है तो यार जब तक आप एनसीआरटी की लाइन नहीं पढ़ोगे तब तक वर्ड्स का मतलब ही नहीं समझ में आएगा मतलब नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा है ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इन लाइन को बारीकियत से पढ़ना तो ये देखो यहां पे ये क्वेश्चन था ना ये देखो ये था ना तो ये आ गया ठीक है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर आ गया वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया बोलोगे मैम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स कहां दिया हुआ है बताती हूँ देखो द टू परसपेक्ट एसेंशियली रेस्टेड ऑन टू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स आ गया लाइफ फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स रिलेशन ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस तो कहीं नहीं लिखा पे दैट इज इज इट नॉट अ ऑन बायोलॉजी एक क्वेश्चन ये अब दूसरा क्वेश्चन भी मैंने यहीं से बनाया देखो तो दूसरा भी यहीं से बनाया जो दूसरा क्वेश्चन था दैट वॉज भाई वॉट रिजल्टेड इन फिजियोलॉजी एंड बायो ये देखिएगा यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे बात करी वन डिस्क्राइब एट एंड अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जबकि दूसरा क्या था सेलुलर एंड मॉलिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे था द फर्स्ट रिजल्टेड इन इकोलॉजी द सेकेंड रिजल्टेड इन फिजियोलॉजी एंड बायो तो फिजियोलॉजी और बायो किसने बनाई थी मॉलिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन And cellular level of organization. That is why your answer लुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वाई सेल्यूलर लेवलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री बनाई थी तो देखो अभी तो मैंने सिर्फ एक paragraph बनाया उसमें से दो question निकाल दिए ऐसे question जो तुम्हें बोलोग चक्की हो जाओगे ki अरे ये क्या हो गया है ना वैसे ही मैं इससे दो तीन क्वेश्चन और बना सकती हूँ और ऐसे सोच लो पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में कितने क्वेश्चन बनते होंगे जो आपकी आंखों के सामने से निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा तो इसी चीज को मास्टर करने के लिए बच्चे मेरा 45 डेज क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है कल जिसमें मैं पहली क्लास लेने वाली हूं दैट इज फोटो सिंथेसिस वाली हैं क्यों करने वाले हैं इसीलिए ताकि आपको इस इंपॉर्टेंट यूनिट के हिडन लाइंस के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मास्टर हो जाएं डू नॉट मिस द सेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक मैंने पिन करवा दिया है कॉमेंट्स में वेरी इंपॉर्टेंट जाओ लाइक करो पहुंचो सुबह नौ बजे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस बार बच्चे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे ठीक है इधर उधर से अटपटे से क्वेश्चन आएंगे फिर तुम बोलोगे एनसीईआरटी में तो था नहीं लेकिन वो था ध्यान से पढ़ी होती तो होना था अब अपने आप पढ़ने का टाइम तुम्हारे पास है नहीं तो एक टीचर के साथ पढ़िएगा अपनी गार्गी ब्रो के साथ पढ़िएगा ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए है ना जी देखो अभी रात के एक बजे हुए हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूं कि नहीं बच्चों के पास ये चीज पहुंचनी चाहिए कि अभी भी आपकी तैयारी में थोड़ी कमी है और वो कमी मैं पूरी करने वाली हूँ ठीक है तो इसलिए इसी तरह से रेस्पिरेशन इन प्लांट है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है एंड फिर हम थर्टी ईयर्स पी वाई क्यूज कर लेंगे पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी के यही नहीं बच्चे हमारा प्रैक्टिस सेशन भी मैंने लगा दिया स्पेशल क्लास पे उसका लिंक भी मैं कमेंट में पिन कराने वाली हूँ एवरीथिंग इज फ्री सब कुछ फ्री है ठीक है थियरी हम यूट्यूब पे करेंगे और प्रैक्टिस हम करने वाले हैं कहां पर प्रैक्टिस हम करेंगे स्पेशल क्लासेस में अन अकेडमी की एप पे जहा पे हम एनसीआर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ताकि एक बार थिय हो जाए फिर हमें ये भी पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से राइट बच्चे वो होगा अपना नौ बजे ये सेशन सैटरडे को है इसलिए छह बजे है सबके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इज दैट कि आपका अन का सेवन डेज फ्री ट्रायल जो है बच्चे वो सिर्फ फिफ्टीन तक है को अगर तुमने पंद्रह तक एक्टिवेट करवा लिया तो ठीक है नहीं तो फिर उसके बाद बाय बाय ठीक है बाय बाय टाटा हो जाएगा और अगर किसी कारण से तुम्हारा एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है देन यूज अ डिफरेंट मोबाइल नंबर अपने मम्मी या पापा का मोबाइल नंबर यूज करके देखो क्योंकि कई बार क्या होता है जिस बच्चे ने एक बार ऑलरेडी फ्री ट्रायल लिया हुआ है वो नहीं कर पा रहा है एक्टिवेट ठीक है तो आप किसी और का नंबर लेके भी एक्टिवेट करा सकते हैं यहाँ पे आपको हर एक चीज जो प्लस पे मिलती है वो फ्री मिल रही है एंड बच्चे वन मोर थिंग ट्वेंटी परसेंट ऑफ चल रहा है आपका अन अकेडमी पर दैट इज ऑल्सो वैलिड टिल सिक्सटींथ ऑफ मार्च गार्गी कोड लगाएंगे तो मेरा एक पच्चीस का बैच शुरू होने वाला है मेरा एक छब्बीस का बैच शुरू होने वाला है और मेरे साथ बहुत सारे अमेजिंग टीचर्स हैं इस बैच में जो कि आपका पूरा कोर्स पूरा कोर्स कवर करवाने वाले हैं आन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट भी है कब है 17 मार्च को ग्यारह बजे और पाँच बजे इसमें भी ज़रूर एनरोल करवा लेना लेकिन बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एन की लाइन टू लाइन बिल्कुल अच्छी तैयारी कर लें और उसके लिए मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल ऑल आई एम वेरी वेरी टायर्ड राइट ना बट ठीक है आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस क्रैश कोर्स एंड आई रियली होप कि आप भी उसी तरीके से Uh, इस कोर्स में यू you नो know, उसी जोश के साथ आएंगे ठीक है वीडियो को ज़रूर लाइक करना शेयर करना कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि इस तरह के जो सेशंस में आपके लिए प्लान कर रही हूँ उससे आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है डू लेट मी नो ओके okay, बच्चों बाय बाय टेक केयर